हाय गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज का वीडियो बहुत रॉ वीडियो होने वाला है। बहुत ही ज्यादा रॉ वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेरीज जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछी है। एंड ये भी डिस्कस करेंगे यार कि इस चैनल में आगे कैसा कंटेंट हम लाएं, एंड आजकल यूट्यूब में क्या चल रहा है, एंड यूट्यूब में क्या चलता है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आपका सपोर्ट जो मुझे मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोग मुझे ऐसा ही सपोर्ट आगे भी देते रहेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पहली क्वेरीज आई थी हमारे उसको। तो पहली क्वेरी जो इसमें आई है वो हमारे को हर्षल की तरफ से आई है। एंड हर्षल पूछ रहे हैं कि अगर मैं पंच बेस मॉडल लेता हूँ और कार में स्पीकर इंस्टॉल करवाता हूँ और एंड्रॉयड स्क्रीन, तो वारंटी वॉइड होगी या नहीं? तो हर्षल, एक्चुअली सीन ये है कि आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल पार्ट अगर बाहर से फिट करा रहे हो या कोई सा भी पार्ट जिसकी वजह से आपके कार में कोई इशू आ सकता है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है उससे, और स्पेशली इलेक्ट्रिकल पार्ट से। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट बाहर से करवा रहे हो और उसकी वजह से आपके कार के इश्यू या आपकी कार में कोई फंक्शंस में कोई इशू आता है, तो आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो पूछा है केसर जारगर, आई गेस मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर गलत होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट गाइस। एक कार बाय करना चाहता हूँ, बजट इज 6 to 8 lakh, प्लीज टेल मी कौन सी गाड़ी बाय करूँ। लुकिंग वाइज भी अच्छी होनी चाहिए, बजट बढ़ा भी सकते हैं। तो केसर जी, मैं आपसे बोलूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूँ कि फाइव बजट कॉम्पैक्ट एसयूवी कार, अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेना चाहते हैं तो 10 lakh के अंडर क्या है। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। मारुति की फ्रॉन्क्स भी बड़ी जल्दी मार्केट में आने वाली है, इसकी लॉन्च डेट फरवरी के अराउंड है, तो आप इस कार का वेट कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग अभी रिवील नहीं हुई है, बट आई सजेस्ट यू कि आप इस कार का वेट कीजिए और इस कार की टेस्ट ड्राइव भी लेके देखिए, एंड उसके बाद आप कोई डिसीजन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो विकास की तरफ से पूछा गया है। एंड विकास ने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये सिलेरियो के रिगार्डिंग पूछा है कि मैंने अपने कार सिलेरियो के रिव्यू में, मेरे ओनरशिप रिव्यू में आपने देखा होगा कि मुझे सिलेरियो में जो इशू फेस हुए थे मैंने उसमें डिस्कस किया था। उसी के रिगार्डिंग विकास ने पूछा है कि ब्रदर, स्टीयरिंग सेल्फ सेंटर का इशू रिजॉल्व हो गया है क्या आपका? तो विकास जी, स्टीयरिंग का सेल्फ सेंटर का इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। स्टीयरिंग अभी भी कार का अपनी जगह पे वापस नहीं आता है, बट हाँ मैं कहूँगा टाइम के साथ स्टीयरिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया। जैसे मैंने कंप्लेंट करी थी अपनी पहली वीडियोस में कि सिलेरियो का स्टीयरिंग काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी हार्ड है। सिलेरियो का स्टीयरिंग पहले से लाइट हो गया है, बट अभी भी ये सेल्फ अपनी जगह पर नहीं आता है, वापस ऑटो रोटेट होकर अपनी जगह पर नहीं आता है, तो ये इशू अभी भी सिलेरियो के साथ बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पीयूष जी ने हमसे पूछा है, एंड ये क्वेश्चन हमारे पंच के रिगार्डिंग है कि पंच का पिकअप कैसा है, दबती तो नहीं है? तो गाइस देखो, मैं इसमें ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ यार, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसा मेरे को देखा है, जैसा मैंने कार ड्राइव करके देखा है, तो मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। तो गाइस पंच, पीयूष जी, पंच में पिकअप इशू है, पंच थोड़ी अंडर पावर है, चाहे लोग जो भी बोले, चाहे लोग मुझे कमेंट में कुछ भी बोले इसके रिगार्डिंग, बट जो सच है वो सच है गाइस, पंच थोड़ा अंडर पावर है। बिकॉज उसका बॉडी वेट रेशियो कार का अगर इंजन से कंपेयर करोगे तो बॉडी वेट रेशियो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका 1.2 लीटर का इंजन मुझे लगता है कि कैपेबल नहीं है उस कार के लिए। उसमें थोड़ा और बड़ा इंजन होना चाहिए था, या उसमें कंपनी को टर्बो प्रोवाइड करना चाहिए था। तो यस, पंच में पिकअप इशू है थोड़ा, और पंच स्पेशली अगर आप ने फुल लगेज रखा हुआ है कार में एंड आप ज़्यादा लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हो, 5 सीट लोग फुल ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको थोड़ा वो ज़्यादा फील होगा उस चीज़ को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो सोहेल अहमद की तरफ से है। तो सोहेल अहमद भाई ने हमसे पूछा है कि हाउ मच माइलेज यू आर गेटिंग ऑन पंच। तो
तो और ये प्लान कर रहे हैं पंच एमटी और टियागो एमटी के बीच में। तो सोहेल भाई, जिससे मैंने आपको बताया अभी दशक कमेंट सेक्शन में कि जो मुझे पंच में माइलेज मिल रही है सिटी में, वो मिल रही है बिटवीन 13 to 15 के अराउंड, जिस ट्रैफिक कंडीशन, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक कंडीशन, कैसी ट्रैफिक कंडीशन है। और अगर आप प्लान कर रहे हो पंच और टियागो एमटी के बीच में, पहले तो दोनों ही थोड़ा अलग सेगमेंट की कार्स है। पंच जो आती है थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाती है, और आपकी टियागो थोड़ी हैचबैक कार है। तो पहले आप अगर आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस सेगमेंट में जाना है। अगर आपको एसयूवी लुकेश टाइप कार चाहिए तो आप पंच कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको दोनों में सेलेक्ट करना है, और आपको अगर माइलेज आपका कंसर्न है, तो आप टियागो की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज आपको टियागो में ज़्यादा अच्छी माइलेज मिलेगी पंच से। तो हमारे एक और भाई मिस्टर शुभम सिंह राजपूत जी ने हमसे कमेंट में पूछा है कि सीएनजी कैसा रहेगा पंच में। तो शुभम जी, सीएनजी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पंच के लिए, बिकॉज जो 1.2 लीटर आप इंजन के आगो में देख रहे हो, वही सेम इंजन पंच में यूज़ किया गया है। और सीएनजी जिस तरह से टाटा नया एक डिज़ाइन सीएनजी का लेके आया, जिस तरह से उन्होंने 2 सिलेंडर सीएनजी फिट किया है अपनी कार में, और इसके साथ साथ हमारे को बूट स्पेस भी प्रोवाइड किया है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पंच सीएनजी आने वाले टाइम में। तो आप वेट करिए इस कार का, इस कार के प्राइसिंग अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, जैसे ही रिवील होते हैं आप वेट कीजिए इस कार को, और आप इस कार की तरफ जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है पंच सीएनजी आपके लिए। सो गाइस, सारे क्वेश्चंस तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई विल ट्राई कि मैं, मुझे जब भी कभी टाइम मिलता है तो एक ऐसा हम Q&A सेशन रख सकते हैं जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकूँ। बिकॉज हो सकता है कई बार मुझे कमेंट्स में आंसर करने का टाइम ना मिले, तो हम बीच में एक ऐसा Q&A सेशन रख सकते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई कर सकूँ। ओके गाइस, तो बात करते हैं एक्चुअली यूट्यूब में चल क्या रहा है, यूट्यूब में चलता क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैनल में जो भी कंटेंट बनाऊँ या जो भी मैं रिव्यूज़ आपसे शेयर करूँ, वो बिल्कुल जेन्युइन हो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो, या मैं जो फील करता हूँ किसी कार को ड्राइव करके, वो मैं आपके साथ रियलिटी में शेयर करूँ। तो मैं इसीलिए आई विल ट्राई कि मैं जो भी रिव्यू कर रहा हूँ, मैं किसी से उससे इन्फ्लुएंस होके ना रिव्यू करूँ। मैं, अगर आप चाहो तो मैं जाके शोरूम विजिट कर सकता हूँ और वहाँ पे आपके लिए प्रमोशनल वीडियोस बना सकता हूँ। बट मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी आप क्या चाहते हैं कि मैं वो प्रमोशनल वीडियो शूट करूँ शोरूम्स के लिए, या मैं अपने जो मेरे पास रिव्यू यूनिट्स आती हैं, या जो लोग भाई लोग हमसे शेयर करते हैं अपने कार्स के रिव्यू, मैं उन्हीं के वीडियोस आपके सामने लेके आऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हो इस चैनल में लाना, तो उसी के बेसिस पे हम आगे कंटेंट क्रिएट करेंगे। और जो लोग चाहते हैं अपनी कार का रिव्यू कराना या अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना हमारे साथ, वो प्लीज़ हमें हमारे नीचे दी गई मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई कि हम जो हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा और आपका, वो हम सबके साथ शेयर करें, ताकि अगर उससे किसी को हेल्प मिल सके तो वो हेल्प ज़रूर मिले। सो गाइस, ये बहुत ही रॉ वीडियो थी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहा, तो वी विल होप कि हम आगे और अच्छा कंटेंट बनाते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।